म्यांमार में सत्ता से हटाई गई नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। म्यांमार की एक अदालत ने इस मामले में सुनवाई की और भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को $6,00,000 कैश और सोने की रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया गया। आंग सान सू की के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुल 11 मामले दर्ज हैं और उन्हीं में से एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। हर एक मामले में अधिकतम जेल की सजा 15 साल है। सैन्य शासित म्यांमार के अधिकारियों ने शुक्रवार को आंग सान सू की के खिलाफ हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार के नए आरोप भी दायर किए। क्योटो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अगर इन सभी आरोपों में आंग सान सू की को दोषी ठहराया जाता है तो इनमें उन्हें 100 साल से अधिक की जेल हो सकती है। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता हैं। आंग सान सू की म्यांमार के राष्ट्रपिता आंग सान की पुत्री हैं। आंग सान की 1947 में राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। सू की ने म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्हें 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के चलते दशकों तक जेल काटी है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और खुद सत्ता संभाल ली थी। इसके बाद लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू की समेत कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तब से चीन से उन्हें लगातार सैन्य और कई तरह की मदद मिल रही है। हाल ही में चीन ने म्यांमार के सैनिक शासन के लिए मदद और बढ़ा दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।